हेलो गाइस, तो आज की वीडियो के साथ स्वागत करते हैं आप सबका। तो आज की वीडियो है हमारी CWL जनवरी सीज़न की, 2021 की पहली CWL। और भाई क्या CWL गई है भाई, मतलब मज़ा आ गया है, एकदम मज़ा आ गया भाई CWL में। क्योंकि आप ये देख सकते हो, सेवन इज एंडेड एंड वी गॉट प्रमोटेड। भाई भाई प्रमोट हो गए भाई, बड़ा मज़ा आया फाइनली आफ्टर सो मैनी मंथ्स। क्योंकि आप देख सकते हो वो लॉग भाई, अगस्त सीजन में मतलब हम अप्रैल में हो गए थे मास्टर चैंपियंस। उसके बाद अच्छा खासा चैंपियन होल्ड किया हुआ था हमने, एक बार सेकंड भी आए थे। तो इसके बाद हमारा क्लैन थोड़ा डिसमेंटल हो गया। अगस्त सीजन में हम 8th प्लेस में डिमोट हुए, स्टार देखो सिर्फ 190। फिर सेप्टेम्बर मैं नहीं था शायद, बाकियों ने खेला, उनने होल्ड किया 4th पोजीशन पे। फिर दिसंबर सीजन पे मैंने वापस चालू किया क्लैन को, हमने रिबिल्ड किया साथ में, मैंने और डोरा ने और कासिम भाई और जायद ने मिलके, मेनली हम चारों ने मिलके क्लैन रिबिल्ड करने का ट्राई किया। दिसंबर सीजन में हमने खेला है, थोड़ी फ्रेंड की हेल्प से नहीं हो पाया, बट इस सीजन भाई फाइनली 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 चैम्पियन ट्री पहुँच चुके हैं हम। तो भाई आज तो मैं भाई मैं लिटरली 3-4 दिन से ढंग से सोया नहीं था, खासकर टफ वॉच थी ये आप देख सकते हो। सेकंड और थर्ड जो फिनिश हुए है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये देखो आज का वॉच था जो थर्ड आए सेकंड उससे पहले। तो भाई लगातार लास्ट लास्ट की वॉच देखो, 31 30 31 30 32 32 32 31, तो बहुत टफ वॉच थी आमने सामने, बहुत ही टफ कंपटीशन था इस बार। आमने सामने सब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, तो बहुत ही टफ कंपटीशन था, तब भी हमने भाई डोमिनेशन के साथ निकाला है। क्योंकि भाई 20 स्टार्स का डिफरेंस है, हम एक भी वार्ड नहीं आ रहे भाई, मज़ा आ गया। 20 स्टार्स का डिफरेंस है एकदम, और परसेंटेज देखो, परसेंटेज में डोमिनेशन दिख जाएगा आपको, स्टार्स में नहीं। तो इतना 300 400 भाई 400% का डिफरेंस है। सो या तो बढ़ते हैं अपने मेन अटैक्स की तरफ से। तो आपको मेन मेन दिखाता हूँ कि कौन से टर्निंग पॉइंट से। तो आपको सबसे पहले देखो कौन से 31 30 ये वाले वॉल्स दिखाता हूँ। तो इसमें सिर्फ एक ट्विस्टर आया था हमारी तरफ से शायद, या हाँ नहीं, 2 ट्विस्टर आए थे, 3 ट्विस्टर आए, क्योंकि मैंने और शिखर हम दोनों का फ्लॉप हो गया था और दोनों से 1 स्टार हो गए थे। तब भी देखो आप भाई, तब भी मैं और शेखर अभी भी 4th 5th पे 1 1 स्टार होने के बावजूद एक वॉर में। तो भाई ये वॉर हमें जिताई थी कासिम भाई ने, 6 स्टार मारे उनने, और रायन ने भाई, ये 3 3 स्टार ने हमें जिताया था। थोड़े रश बेसिस थे तो आपको ये उतने नहीं दिखाऊंगा, ऊपर वाला अटैक दिखाता हूँ मैं, माना रश बेस था भाई बट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि 3 स्टार नहीं आता तो हमारी वाट लग जाती है और हार गए थे। तो एक एक लॉस भी ना, क्योंकि सिर्फ 1 स्टार का फायदा नहीं होता है, 10 स्टार मिलते हैं विन में, तो वो 10 स्टार हम 20 से जीते तो 10 स्टार का गैप तो वैसे ही चला गया होता, तो ये छोटी छोटी बातें और टेंशन बड़ा होता। तो अब देख सकते हो वार्डन से इनने थोड़ा फनल बनाया, सीज बाइक यूज़ किया फनल इस साइड से, बाकी 80s और हीरो साथ में बॉलर्स भी आ गए वहाँ से, हॉग्स तो सेक्शन क्लीन कर। अरे यार बॉम्ब टावर क्यों है, बॉम्ब टावर क्या बोलते हैं अपना वो नहीं होता जाइंट बॉम्ब, तो इन सिंगल इन्फर्नो फूट गया होता पहले ही, पॉइजन ने गलत डाल दिया लगता है, थोड़ा आगे डाल दिया था, स्विन को लगा लावा आया होगा बट सुपर मिनियन निकले, बट कोई नहीं। आरसी पीछे साइड से आते हुए और एक विच, चलो कोई नहीं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं भाई। टेस्ला दुभार कोई ना, आरसी अभी फॉर्म में है, फुल एबिलिटी मार दी इसने, अभी जाएगी अपनी सिंगल इन करने के पास मराने, और ये मर गई और जाओ भाई बहुत ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ट्विस्ट आया था जहाँ हमें विन के लिए चाहिए था इनका, तो चलो ये एंड करते हैं।
बताता हूँ मैं आपको क्यों, क्योंकि वॉर इवेंट देखते हैं, उनने अटैक किए, उनके ही अटैक है सर, हमने पहले कर दिए थे। ये देखो हमारी तरफ से लास्ट और सेकंड लास्ट अटैक, ये भी एक तो 91% रह गया था एग्जीक्यूटर की तरफ से, एक तो मैंने वन स्टार कर दिया था, प्रेशर बढ़ गया था वहाँ पे, वरना हम सेफ विक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, वन स्टार हो गया, हमारा प्रेशर बढ़ गया और उनने बट निकाल दिया। रायन ने भी ओपी ट्राई किया है, थोड़ा रश बेस था बट ठीक, क्योंकि वॉल्स भी देखो यार, वॉल्स ही थोड़ी रश थी, बाकी कोर डिफेंस तो हर एक चीज मैक्स है। इसने भी 80 वो बिच किया है, सॉरी 80 बॉलर्स किया है, 80 स्पैन, थोड़ा फास्ट ही कर देते कि सेम अटैक आपको दिखा चुका हूँ मैं। टू पी दिखा देते हैं, आरसी आ गई राइट से, एक तो भाई साहब का क्या बोलूँ, ये देखो यार इसको जंप डालना था, भाई साहब ने रेज डाल दिया, एक तो रेज वेस्ट और जंप वेस्ट, उसके बाद शायद ये कंफ्यूज हो गया क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इसका रेज भी नहीं, जंप भी टाइम से डाला नहीं, ये देखो फिर जंप भी इसने जल्दी जल्दी के चक्कर में इस वॉल पे ही नहीं आया, बॉलर तो वही अटक गए। फिर यहाँ पे और एक भाई, ये प्रेशर पे जब होता है ना भाई, प्रेशर का अटैक बहुत गंदा हो जाता है, बट लकीली बट ये कैसे उठ हिस्सा हो गया भाई फाइनली, और जान में जाने ही हमारे। तो ओपी रायन, तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वॉर की तरफ जो क्रिटिकल वॉर थी, इसमें हम जीते 31-30 से, लकीली किसी ने भी वन स्टार नहीं किया ना, हाँ वन स्टार एक भी नहीं किया, बट उन्होंने देखो भाई दो टू स्टार किया, बट उन्होंने दो टू स्टार कर दिया, तो हमें वहाँ पे एडवांटेज मिल गया और सिर्फ एक टू स्टार आया है, वो मेरी तरफ से आया तो शायद, हाँ मेरी तरफ से टू स्टार देखो गाइस। और भाई बहुत ही प्यारी क्वीन वैल्यू मिली है इसमें मुझे, मतलब देखो आप, और मस्ट विन वॉर थी ये भी, मी फटी पड़ी थी फनल क्वीन आई, बलून जस्ट फॉर मुझे लगाई था और टेस्ला निकले, ए सिकिंग माइंड उसके लिए डाला था मैंने, तो स्निकीज बेबी स्निकी शायद लेट डाल दिया, बट कोई ना, एक तो एयर सीकिंग माइंड इतने निकलते ना, इसलिए देखो इस अटैक में मैं जान पूछ के रेज दो ही लाया था, क्योंकि रेज का एक करूँ क्या जब इतनी चीजें मार देता, तो मैं उसके बदले एक रेज के बदले एक फ्रीज और एक इनविजिबिलिटी लाया, क्योंकि देखो मुझे पता था ये मारेगा तो टाउन ऑन मारेगा, तो मैंने साथ में क्वीन और अपने हीलर दोनों को वो कर दिया था इनविजिबल, तो दोनों की हेल्थ रह गई अच्छी खासी। यहाँ से अभी मैंने फनल चालू कर दिया किंग से ऊपर से, ताकि क्वीन अंदर जाए, नीचे से सीज बैरक थोड़ा फास्ट कर दे, तो फनलिंग है, हाइब्रिड चालू, एक फॉग डाला मैंने ताकि विजार्ड को मिले कवर, क्वीन अभी भी जिंदा है विद उसकी एबिलिटी, किंग को अच्छा खासा डैमेज पड़ रहा है, फ्रीज था तो मैंने कर ही दिया फ्रीज, और अपनी एबिलिटी दे दी कि बहुत डैमेज पड़ने वाला था, स्कैटर शॉट प्लस सिंगल, सिंगल में आरसी को पकड़ लिया था शायद, एंड ईगल का डैमेज। ओ भाई ओ शिट, जाइंट बॉम्ब ने बहुत सारे विजार्ड खाए मेरे, बहुत गंदा हुआ। और देखो क्वीन को टैंक कर रहा है किंग, तो ये भी बहुत ओपी बात हो गई थी। तो भाई सिर्फ वॉल से रश्ट है भाई, अगर तुम बोलोगे रश्ट बेस है तो भाड़ में जाओ, क्या बोल सकता हूँ, देखो यार सिर्फ वॉल स्मैक्स, सारे आर्चर टावर, सारे टेस्लास, इन्फर्नो कैनन, सब हर एक चीज पर मैक्स थी भाई, इसके एक्सबो भी मैक्स थे, जो मेरे इस आईडी में तो मैक्स भी नहीं हुए थे, मैक्स चल रहे थे, कि अब देख सकते हो 8 पे था मैं, और एंड वॉल एंड होते होते, सीजन एंड होते होते मैं #6 आ गया, क्योंकि मैं एक्सबो अपग्रेड एक एक करके खत्म हुए थे, देख सकते हो भाई। सॉरी, बहुत ही प्यारा अटैक भाई, बार बार ये जो आता है ना बीच में बहुत अच्छा लगता है देख के, उनने ये मिस किया,
और ये मिस, कौन सा मिस किया? इसमें मिस किया, तो उसके वजह से हमें एडवांटेज मिल गया, वो जीत गए। तो अभी पढ़ते हैं ये वाली वॉर। ये भाई सबसे टफ वॉर होती, क्योंकि इसमें हमें पता चल गया था कि हाँ अब तो हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि देखो यहीं पे सेकंड आए ये लोग, इनको 10 पॉइंट और मिले होते 298, हमें 10 कम मिले होते तो 308, तो एकदम टक्कर का मुकाबला हो जाता कि बहुत वो हो जाता कि जीतना है कितने स्टार्स वैसा। तो यहाँ पे फाइनल डिसाइड हुआ कि कौन जीतेगा, और वो डिसाइड हुआ दो थ्री स्टार्स है, उनने के 3 थ्री स्टार आप देख सकते हो वॉयमेंट, बट उनने 1 स्टार किया। चलो 1 स्टार दिखाता हूँ आपको, और अगर आपको ये बेस पसंद आए, क्योंकि भाई बहुत ओपी अटैकर्स थे, क्योंकि सामने वाले रश बेसिस थे, ठीक है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सामने वाले रश बेसिस थे, बट उन एक नंबर भाई बहुत प्यारे ओपी अटैकर्स थे वो लोग, इसलिए हमें ही डर लग रहा था इनसे, हमें देख सकते हो। और अगर आपको ये बेस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बेस की लिंक या तो DM कर दूंगा या तो अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर आपको बेस पसंद आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा। और इसी के साथ इसकी क्वीन डेड, ये भाई साहब बौखला गए। आई थिंक सो इसका प्लान तो था RC लेने का, सॉरी स्कैटर शॉट ईगल लेने का, और फिर ऊपर से अपना पैकअप वो भी चालू करने का, बट ये देखो। और एक तो इसने ट्रुप जल्दी डाल दिया, सीज बैग से पहले फनल बनने ही नहीं दिया, सही पैका से सीज बैग, हाँ जो भी है फनल बनने देना था उसको, बनने दिया होता तो हो जाता। तो सब भाई कुछ भी मतलब जो भी ट्राई कर रहा था सब भाग गया। तो देख सकते हो भाई ये भी कितना रश बेस है हमारा, न्यू TH13 हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 1750 का वो है, बट किंग इसका मैक्स नहीं है, 60s में ही है, कुछ 60 के लेवल में ही है, 60-65 है कुछ। अब देख सकते हो भाई इसने हमें थोड़ा साला चांस दिया एक जीतने का, 1 1 स्टार हो गया और 3 3 स्टार हुए, तो हम परसेंटेज से जीते, बट परसेंटेज भी हमारा बहुत हाई था, 19 से 79% किया, उन्हें 11 2 स्टार किया था, बट भाई 79% एवरेज देखो हमारा 90%, क्योंकि आपको बताओ 94 टाइम फेल, यहाँ पे देखो कासिम भाई 85, रवि ने 87, BSN का 98 टाइम फेल, मेरा अटैक भाई 99 टाइम फेल, जायद का 98 टाइम फेल, ओमी का 95 फेल, टाइम फेल नहीं था ईड रखते, जारायन का भी 94 टाइम फेल है, चाहिए तो दिखा दूंगा, और एग्जीक्यूटर का भी 99 टाइम फेल, प्लस डेनियस का 94 टाइम फेल। तो आप देख सकते हो कितने 90s में, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 90s में हमारे अटक गए थे। तो आप देख सकते हो, और भाई मैं ईड्रैक्स नहीं करता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा, तब भी आप देख सकते हो 99% है, दिखाई देता हूँ मेरी फटी पड़ी थी इस अटैक के लिए, मैंने पहले ड्रैग बैट प्लान किया था इस अटैक के लिए, बट मैंने रिक्स नहीं लेना था क्योंकि टाउन हॉल चाहिए था 2 स्टार एनी, और टाउन हॉल बहुत गंदा पोजीशन में था, देखो एक्चुअली अर्ली एबिलिटी मार था, बट क्या बोलते हैं, मुझे ब्लेम के लिए एबिलिटी बचानी थी इसको। यस, एक तो ये लावा ने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया और अच्छी खासी हेल्थ खा गई, वरना ईडी इतना पोशन ले लेता, अगर ईडी अच्छी हेल्थ में होता तो। या तो यार मेरे पास आइस गोले में वॉल पे कुछ भी होता, बस एक अकेला इन्फर्नो बच गया स्पैम अटैक, बट कोई नहीं, बट इस वॉय का हमारा वॉय विनर अटैक है, शेक है का भाई, मस्ट विन वॉय थी, और भाई साहब ने कर दिया अपना कमाल। तो भाई मारो, मुझे मारो हीरोज पहले ही, ताकि फनल बने, ईडी स्पैम आते हुए, अर्ली एबिलिटी ताकि ब्लिम रहे एबिलिटी के अंदर, स्वीपर फ्रीज और टाउन हॉल ले लिया उसके ब्लिम से, पॉइजन बच गया इसका, वेस्ट हो गया, मारता पॉइजन, किंग पर डालेगा शायद, शायद RC के लिए किंग पर डालेगा, अबे किंग पर क्यों नहीं डाला, हाँ बहुत लेट डाला, कोई ना मेरी क्वीन का है, इसकी क्वीन ही है, ओके
NHP है भाई। इसी के साथ भाई शेखर ने जब ट्री स्ट्राइक किया ना, तो हमारी जान में जान आई। और उसके बाद मैंने और पीयूष ने अटैक किया। अगर पीयूष का अटैक भी दिखाता, पीयूष का अटैक कहाँ किया, पीयूष का अटैक पीयूष ने किस पे किया है, ये भाई 99 टाइम फिर इतना दिमाग खराब हुआ ना। एक तो किस्मत खराब थी इसमें भी, देख सकते हो आप। एक देखो उसने रेस डाले कि ट्रुप्स आगे जाएंगे, पर ट्रुप्स तो भाई चले गए राइट में, तो ये रेंज वेस्ट हो गया एक तो। और शायद से इस जंप की ज़रूरत नहीं थी, अगर जंप के पहले वो दो फ्रीज ले आया होता शायद से ये इसको सिंगल इन्फर्नो को फ्रीज करके रेंज कर सकता था। ये कर सकते हैं, ये जंप की क्या ही जरूरत थी, यहाँ से घूम के आ जाते यार, बाहर से घूम के आ जाते, बात तो ही हो जाती। तो एक तो जंप शायद नहीं लेता तो भी उसके पहले दो फ्रीज तो हो जाता, या तो रेज काम आ जाता। अब देख सकते हो भाई इतना दिल दुखाना हम लोग का, टाइम फेल बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा। अब सोच सकते हो भाई परसेंटेज देखो ना, 90 का एवरेज है हमारा। और पिंकी का ठीसा दिखाते हैं आपको, चलो रश बेस है यानी हो, रश बेस है बट ठीक है, चलो आप भी क्या बोलोगे, क्या दिखाए दिखाते नहीं है। बढ़ते हैं अपने आज के दिन पे, आज के दिन किसने ट्रिका किया, चलो ये देखो भाई। आज तो भाई आज के बेस 1 से लेकर 15 सब मैक्स बेस थे भाई। ये देखो हर एक वॉल इनकी मैक्स है, इसने एक एक विजार्ड डाल दिया इस साइड ताकि थोड़ा जल्दी वो बन जाए क्लीन अप। क्वीन आ गई ऊपर से, तो पास कर देते हैं। एक तो ये भाई कभी आए जो ए सिंग माइंड निकलते ना, बड़ा गुस्सा आता है। तो आइस गोले में ना वैसे उतना डैमेज नहीं देते बट बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक एक करके सबको मारो उसके बाद फ्रीज हो जाओ, बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक तो ये रुका हुआ था कि क्वीन किस साइड आएगी, क्वीन किस साइड बाहर आएगी, उसके हिसाब से अटैक चल जाएगा। तो उसके वजह से अटैक भी एक तो बहुत लेट हो गया, पता है बीच में मुझे डर लगा था कि टाइम फेल ना हो जाए। जैसे क्वीन बाहर आई भाई साहब ने अटैक चालू किया, क्वीन ने देखो वैल्यू अच्छी ले ली है, एक स्कैटर शॉट लिया, ईगल लिया। देखो इतना उसमें था कि जल्दी जल्दी के चक्कर में भाई साहब आरसी भूल गए, तो भी आरसी आते हुए पीछे से एकदम भाला लेके मार्केट खत्म करने आएंगे। पीछे से हॉग्स आ गए, फ्रीज डालेगा शायद, फ्रीज आ गया। फ्रीज विंड पॉकेट माइनर में गए वो, और एबिलिटी स्वैग क्वीन और आरसी दोनों डबल एबिलिटी स्वैग भाई। तो एक बार ओपी का बताया सारंग ओपी और लो किंग के साथ भाई, लो किंग इसकी आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। इतना रश बेस है, थोड़ा ये लो है, और 58 का किंग भाई का फिर भी। और एग्जीक्यूटिव पीयूष आज का दूसरा थ्री स्टार और इम्पोर्टेंट थ्री स्टार। ये देखो भाई 22 की आरसी है, फुल मैक्स बेस है, हाइब्रिड से थ्री स्टार करते हुए बहुत प्यारा। सॉरी फॉर माय बैड सॉन्ग्स, ओपी पॉइजन, ओपी पॉइजन ये है बहुत बेकार सीसी है। सिर्फ हेड हंटर्स और एक आइस, मतलब 5 हेड हंटर्स और एक आइस। क्वीन का जाएगी डाउन जानी चाहिए वैसे तो, बट बिल्डर हाँ जी अभी अब तो ऊपर ही जाएगी कुछ भी हो जाए। नहीं
हाँ ऊपर ही जाएगी, बोला ना ऊपर जाएगी। चलो अच्छे स्कैटर शॉट ले लेगी और एक, बट ईगल लेती तो शायद ज़्यादा फायदा होता क्योंकि वो आरसी, दोनों हीरोज तीनों हीरोज थे तो आरसी और किंग भी ले लेते हैं तो शायद ज़्यादा फायदा हो सकता था, बट कोई नहीं। ओके इसने ब्लिम ड्रॉप वाला किया है, बहुत प्यारा, क्योंकि बिन फोकट हाँ सेंटर टाउनल है, वेस्ट होएगा, उससे अच्छा वही बेटर है। गाइस सिंगल इन्फर्नो के लिए प्लीज, ताकि स्वीपर उसको फेंक ना दे, और ब्लिम ड्रॉप से पूरा टाउन हॉल पूरा टेस्ला फार्म ले लेगा। नाइस 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 नाइस, आरसी ले पाएगी? आरसी भी नहीं ले पाएंगे, कोई नहीं। वहाँ पे हाइब्रिड अपना मस्त चल रहा है, साथ में कोई नहीं अपना काम कर रही है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, पीछे से हेड है, उसने जल्दी हेड डाला जानबूझ के, उसको पता है आरसी आएगी। क्वीन की एबिलिटी बची हुई थी अभी भी, किंग भी गया भाई, खत्म था भाई, खत्म बेस, खत्म खत्म खत्म। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे इस सेक्शन के साथ। भाई बहुत अच्छा लगता है आप प्रमोट होने पर, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, सी या, टेक केयर, बाय बाय।